सर्वप्रथम आज के इस भव्य कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों के चरणों में नमन वंदन करते हुए जय जय कार्यक्रम की संयोजिका माननीय सम्मानीय बहन जी के चरणों में नमन करते हुए जितने उस्ताद खलीफा विराजमान हैं, दूर दूर तक जो रसिया प्रेमी रसिया सुनने आए हैं, सर्वप्रथम अपने छोटे से अखाड़े अखाड़ा विप्र स्वर्गीय लाला श्री चंदोमल जी की तरफ से आप सभी के चरणों में बार बार अपना सर रखते हुए प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन। श्रद्धांजलि श्रद्धा का विषय होता है। ओमीर भाई ने बड़े सुंदर से भाव रखे, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप ओमीर शर्मा जी के लिए बजाएं। गाया किसी ने क्या? का इन्हें होता
मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते हैं, अगर हकीकत हो तो आशीर्वाद चाहूंगा दोनों ओर से। सबके मन बसिया नहीं होते, और यदि मुन्ना लाल जी नहीं होते तो दहली गेट पे रसिया। अरे मुन्ना लाल जी नहीं होते, दहली गेट पे रसिया नहीं हो। लेकिन एक बात मैं बड़े गर्व से कहता हूं, प्रेम और प्यार में अपने परिवार में एक दूसरे की बात सहन होनी चाहिए, 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 और रिश्तों के मान में और सम्मान में स्पष्ट आदमी की कहन होनी चाहिए, स्पष्ट आदमी की कहन होनी चाहिए, स्पष्ट आदमी की कहन होनी चाहिए। जय भाई ने आशीर्वाद दिया हम दोनों भाइयों को, और 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय भाई साहब की ओर से आया है। उमीर भाई कह रहे थे श्रद्धांजलि में ताली नहीं बजती, आपका भाव अपनी जगह, लेकिन जब कोई काम ऐतिहासिक हो जाता है तो वहां तालियां बजती हैं। जय जय। ये कार्यक्रम कोई रसियों का कार्यक्रम नहीं रहा, ये कार्यक्रम तो एक बहन भाई के प्यार की मिसाल बन चुका है। ये कार्यक्रम सादा सिंपल प्रोग्राम नहीं है। अरे भाई से प्रीत अब कहन होनी चाहिए, और अगर आपको लगता हो कि रामवीर सही कह रहा है तो दोनों हाथ उठा करके तालियां। भाई से प्रीत कहन होनी चाहिए, और दामन को थामना हर भैया की कामना, घर घर में शकुंतला सी बहन होनी चाहिए। सुनील भंडारी जी आरएसएस औरंगाबाद, ये आशीर्वाद दिया है सभी के लिए, मैं प्रणाम कर रहा हूं। अरे मुन्ना भैया की दुआ इमदाद रे गई है, अरे मुन्ना भैया की दुआ बहना के दिल में भैया की बस याद रह गई। मुन्ना भैया की दुआ इमदाद रह
बहना के दिल में भैया की बसिया और जय भाई श्रद्धांजलि श्रद्धा का विषय ये भैया की ओर से आशीर्वाद है। ये हमारे जय भाई के शिष्य मैं चाहूंगा इनको एक बार आप आशीर्वाद दें तालियां बजा करके। अब क्यों मना रही हैं ये उस सबको ये बहन जी, क्योंकि भैया नहीं पिता थे, भैया नहीं पिता थे, भैया नहीं पिता थे। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बेटा देख बैठ जा यार। भैया नहीं पिता थे परिवार के ये माली, भैया नहीं पिता थे परिवार के ये माली, भैया नहीं पिता थे परिवार के ये माली। और असलियत बात तो ये है, मैं हर बार इस बात को कहता हूं, अगर आप सहमत हो तो दोनों हाथ उठा करके तालियां। भैया नहीं पिता थे परिवार के ये माली, थी बेशक बहन शकुंतला, थी बेशक बहन शकुंतला पर बेटी समझ के पाली, बेशक बहन शकुंतला बेटी समझ के पाली। पर उस प्यार में ये जिंदगी, उस प्यार में ये जिंदगी, पर उस प्यार में ये जिंदगी आबाद रह गई है, इस प्यार में ये जिंदगी आबाद रह गई है। और बहना के दिल में भैया की बस याद रह गई है। भगवान गुरु की ओर से आशीर्वाद आया है, मैं नमन कर रहा हूं और कहा सब कुछ है आज लेकिन ये इतना बड़ा, इतना बड़ा जो उत्सव मनना है। जय जय। और बहन जी ने पद प्रतिष्ठा के सब आयामों को पार किया तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये लाला की ओर से आशीर्वाद है। दिल्ली से आए बहन जी ने जितनी ऊंचाइयां तक अपना आयाम पहुंचाया तो कोई माने न माने ये आशीर्वाद किसी और का नहीं, ये आशीर्वाद उनके परम पूज्य भाई मुन्ना लाल जी का ही है और किसी का। इसलिए कह रहा हूं अरे कम से फटे ये छाती, आंसू ये रुक न पामे। और क्यों नहीं रुकते आंसू, बहन जी ने खुद खाया था, जब सावन आता है, जब रक्षाबंधन आता है तो आंसू ये रुक न पामे। अरे सब कुछ है आज लेकिन, सब कुछ है आज लेकिन ओ भैया नजर ना आवे, सब कुछ है आज लेकिन भैया नजर ना आवे। दिल में भैया की बस याद रहे और आखिरी बंद मेरी ओर से सुनेंगे। जब भैया बहन से दूर हुए जय जय, तो जो मैं
शब्द लिख रहा हूं शायद ये कहकर गए होंगे और निश्चित कहकर गए होंगे क्या क्या यश नाम और वैभव की यश नाम और वैभव की सुख संपदा कहोगी यश नाम और वैभव की सुख संपदा कहोगी सुख संपदा कहोगी अरे सुख संपदा कहोगी और ये आवाज मेरी नहीं ये मान लो भैया की आवाज के सुख संपदा कहोगी ये आशीर्वाद दे गए तुम जीवन में खुश रहो आशीर्वाद दे गए बहना के दिल में भैया की बस याद रहे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत